सर बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो डिलीटेड है ना? डिलीटेड है। यस सर, सर मैंने भी रजनी मैम से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ डिलीटेड है। तो अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज आल्सो डिलीटेड तो फिर चैप्टर में बचा क्या? फिर तो केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट बचा एक। सो नाउ वी विल रीड अबाउट एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब यहाँ पे आपको क्योंकि केवल एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना है, तो अगर कोई इसका आंसर पूछे ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर भी क्या है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, जो अपना सूरज है, दिस दिस लाइन इज द होराइजन, होराइजन या होराइजन, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, है ना। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन द अर्थ। अब क्या होता है, एज सनलाइट इज ट्रेवलिंग, तो क्या होता है, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड इट इज ऑल्सो विजिबल टू अस 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट। मतलब सूरज उगने के 2 मिनट पहले से दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने कल बताया था, द अर्थ हैज एन एटमोसफियर अराउंड इट, तो जो सरफेस के पास की लेयर है उनकी डेंसिटी ज्यादा है, या ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे आपका वो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। कहने का मतलब, जब लाइट ट्रैवल करती है सन से टूवर्ड्स द अर्थ, तो ये डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं एटमोसफियर की, है ना, और जो लेयर अर्थ के पास है वो डेंसर है और जो लेयर अर्थ से दूर है वो रेयरर है। तो लाइट इज जनरली ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये आपकी लाइट गई यहाँ पे ऐसा। तो नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड कहाँ, अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी हल्का सा। फिर अब ये रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा, फिर से इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये रेयरर ये डेंसर, तो ऐसे करते करते लाइट का पाथ कर्व हो जाता है और लाइट फाइनली हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। सो थोड़ा ये डायग्राम हल्का सही नहीं बना, इसको हल्का ये एक मिनट में ऑब्जर्वर हटा दूं, ये मैंने फालतू में कुरकुंदी कर दी, और ओ शिट बड़ा रबर आ गया क्या, स्ट्रोक इरेजर, सॉरी डायग्राम में हल्का प्रॉब्लम आ गया। तो ये ऐसे लाइट बेंड होते होते, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, अरे यार रबर ऑन है, सॉरी पेन ऑन कर लो। हाँ तो एक बार इधर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और ऐसे करते करते लाइट विल रीच द यहाँ पे ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर को मैंने क्या बताया, ऑब्जर्वर को तो रिफ्रैक्शन नहीं पता, उसको क्या लगता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको लगेगा ये रे ऑफ लाइट कहीं यहां से आ रही है, ये ऐसा। तो यहां पर आपका सूरज दिखाई देगा आपको। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट मूव्स या इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल एवरी टाइम एंड इट फॉर्म्स अ कर्व, ऐसे कर्व हो जाती है और फाइनली अर्थ पे आ जाती है। तो दैट इज व्हाई द सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर सनराइज, उसका भी आंसर यही है, एंड दिस इज द सेम रीजन फॉर विच द सन इज विजिबल 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट, उसका भी आंसर सेम ही है। तो टोटल सनराइज और सनसेट के बीच कितना टाइम ऐड हो गया, 4 मिनट। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मच टाइम इज एडेड टू द सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू दिस एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, टोटल आंसर हो गया 4 मिनट ऐड हो जाते हैं, बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको रिमेम्बर रखना है कि इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल ऑल द टाइम, व्हाई, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बन जाएगा। यस सर।
है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पहले ये क्वेश्चन आता था वैसे लिखने के लिए, बट अब लिखने वाला काम खत्म हो गया है, तो इट वॉन्ट बी कमिंग इन द राइटिंग सेक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे ये टॉपिक काफी पसंद है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्कैटरिंग? स्कैटर करने का हिंदी मतलब क्या है? सर क्या मतलब? फैलना। हाँ, फैला देना, छितर बितर कर देना, बिखरा देना, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उस दिन मैंने शायद बताया था लाइव क्लास में कि डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में क्या अंतर होता है, फिर से सुन लो। जो आपके डस्ट पार्ट, अच्छा सबसे पहला स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल होना जरूरी है। जैसे आप देख लो स्पेस की अगर अपन बात करें, ऑल्दो वहां पे लाइट ट्रेवल कर रही, बट स्पेस आपका एस्ट्रोनॉट को पूरा डार्क दिखाई दे रहा है। देखा ना पिक्चरों में, देखा ना, स्पेस एकदम डार्क है, केवल प्लैनेट्स आपको दिखाई देंगे, बाकी बीच में आपको कोई भी रोशनी दिखाई नहीं, पूरा डार्क दिखाई देता है। डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि स्पेस में आपका वैक्यूम है, देर आर नो पार्टिकल्स, एंड सिंस देर आर नो पार्टिकल्स, जब तक पार्टिकल नहीं होंगे वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो पार्टिकल का होना जरूरी है। अगर पार्टिकल नहीं होंगे, जैसे अपने एटमोसफियर, जैसे एटमोसफियर में डस्ट पार्टिकल है, अगर मैं एटमोसफियर हटा दूं तो अपने को भी जो अपना स्काई है वो ब्लू की जगह डार्क दिखाई देगा, ब्लैक पूरा दिखाई देगा, क्योंकि लाइट आपकी स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। तो देखो स्कैटरिंग में होता क्या है, जो अपना एटमोसफियर है उसमें बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स लाइट को एक बार एब्जॉर्ब करते हैं, कल मैंने बताया था, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड करते हैं। किसी ने ऐसे सेंड कर दिया, 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 और किसी ने ऐसे सेंड कर दिया। अच्छा, अब यहां पे किसी ने मान लो पूछ लिया, ये आपको दे दिया ए बी सी। अब किसी ने पूछा कि कौन सा लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, कौन सा को हो रहा है सबसे ज्यादा स्कैटर? अरे ये लाइट आई, रिपोर्ट सबसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई डायग्राम किसी ने दे दिया और पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है, ए बी सी में हु इज विच कलर इज गेटिंग स्कैटर्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट? सस्ती नहीं भैया, ए इस हाँ स्कैटर मतलब जो अपने रास्ते से भटक गया। अब देखो लाइट ये आ रही है, इसका रास्ता ये है, अब सबसे ज्यादा इसमें कौन आपका, मतलब देखो ये निकल गया, ये आपकी लाइट निकल गई, तो सी में तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही क्योंकि इसका पाथ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये हल्का इधर गया, इसका इतना इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग बना, और ये नॉर्मल पाथ से 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पाथ किसका चेंज हुआ? ए का। तो ए इज गेटिंग स्कैटर्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट, उसके बाद बी स्कैटर हो रहा है, और सबसे कम स्कैटरिंग या जीरो स्कैटरिंग सी में हो रही है। तो फिर से सुन लो, क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? द पार्टिकल्स इन द एयर और द डस्ट पार्टिकल्स, दे आर एब्सॉर्बिंग द लाइट एनर्जी एंड देन दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द लाइट एनर्जी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ, ठीक। ये चीज बन जाएगा, क्या होता है स्कैटरिंग। यस सर। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ को। कहने का मतलब ये, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसमें स्कैटरिंग सबसे कम है, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है उसमें स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है। तो आपके 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है इसमें? रेड 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 की मैक्सिमम वेवलेंथ है।
तो अगर रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसके लिए ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया, ये इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसमें स्कैटरिंग मिनिमम, कहने का मतलब जो रेड कलर है वो बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होगा और सीधे सीधे पाथ में जैसे आया था वैसे एब्जॉर्ब मतलब रीएमिट हो जाएगा। पहले आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फिर एनर्जी रीएमिट हो रही है, तो उसमें जो चेंज इन पाथ है या चेंज इन डायरेक्शन मिनिमम होगा, सबसे कम स्कैटरिंग होगा। और एक चीज और ध्यान रखो, जिसमें सबसे कम स्कैटरिंग होगी वो कलर सबसे दूर ट्रेवल करेगा, है ना, पता है ना ये चीज। जिस कलर में सबसे कम स्कैटरिंग होगी वो कलर सबसे दूर ट्रेवल करेगा। इसीलिए आपके जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं, ट्रेन जब आती है तो डेंजर सिग्नल किस कलर के होते हैं, डेंजर सिग्नल किस कलर के होते हैं, रेड कलर रेड कलर के होते हैं। केवल रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि रेड कलर आपके एटमॉस्फेयर में लीस्ट स्कैटर होता है और सबसे लंबी दूरी तय करता है। इसीलिए ऑल द डेंजर सिग्नल्स आर व्हाट, रेड, है ना। रेड कलर आज मैंने एक एग्जांपल और दिया था रियल लाइफ से, अभी तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया, बट पहले की शादियों में जो आपकी दुल्हन होती है वो भी क्या पहनती है, लाल जोड़ा पहनती है। क्यों पहनती है, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। क्यों पहनती है लाल जोड़ा, क्योंकि लाल कलर क्या है, खतरे की निशानी। तो जिसकी भी शादी हो और अगर उसकी वाइफ ने रेड कलर का सूट या लहंगा या जो भी पता नहीं क्या क्या पहनते हैं पहना है, तो समझ लो डेंजर का कि सिग्नल। डेंजर का सिग्नल है, मतलब शादी के कुछ दिनों बाद ही आपकी शामत आने वाली है। ठीक है यार, उसको पहनने देना, उसको जो पसंद है। बट आजकल शायद रेड का ट्रेंड खत्म हो गया, आजकल लोग येलो ट्राई कर रहे हैं। मैं जितनी शादियों में जाता हूँ तो लाइक कोई येलो पहन रहा है, कोई क्रीम कलर पहनता है, कोई कुछ पहनता है, बहुत रेड का बहुत ट्रेंड कम हो गया। ऑल्दो रेड इज फॉर एवर बट ट्रेंड कम हो गया है। तुम लोग कौन सा कलर पहनोगे बताओ, आयशा शाम्भवी अर्चिता, विच कलर वुड यू वियर इन योर मैरिज। चलो ठीक है, नॉट डिसाइडेड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर इज द स्कैटरिंग एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कलर। तो रेड कलर आपका लीस्ट स्कैटर होगा, ये लीस्ट स्कैटर होगा एंड इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, बहुत कुछ उनके साइज पर डिपेंड करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी अच्छे से होगी जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा लाइट की वेवलेंथ से। ये ए क्या है, ए है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है जो लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, ये स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा तभी पॉसिबल है जब स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज लाइट की जो वेवलेंथ है उससे बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है स्काई। स्काई किस कलर का होता है, स्काई आपका ब्लू कलर का होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सबसे पहला पार्टिकल का साइज आपके लाइट के वेवलेंथ से बहुत कम होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अब आपके कलर कौन से हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। अपना स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। तो अगर मान लो जैसे देखो, अगर ध्यान से देखो तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर तो वायलेट को होना चाहिए और स्काई को ब्लू ना दिख के वायलेट कलर होना। अच्छा, वायलेट को हिंदी में कौन सा कलर बोलते हैं, मुझे वायलेट कलर पता नहीं एक्चुअली। वायलेट कलर कैसा दिखता है हिंदी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो बैगनी तो होगा नहीं शायद। बैगनी तो भांटा कलर होता है ना, वॉयलेट कलर। अच्छा, ये पीछे लाइब्रेरी जो है मेरी, इसमें कहीं वॉयलेट कलर है, नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा है। कौन सा कलर होता है वॉयलेट बताओ ना, कोई तुमने सर वो बैंगनी बोलते हैं। पक्का, चलो ठीक है मान गए। तो डार्क बैंगनी की लाइट बैंगनी, नहीं यार बैंगनी तो भांटा कलर होता है। चलो आई एम नॉट गेटिंग, चलो ठीक है मे बी इट इज कॉल्ड बैंग, ठीक है मान लेते हैं।
आप लोग को ज्यादा, मेरे को एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है बट आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स. आई ओनली नो व्हाइट कलर, आई ओनली नो ब्लू कलर, आई नो ब्लैक कलर, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, देन येलो, इतने कलर मेरे को पता है. इसके अलावा मेरे को सर आप, मैजेंटा. सर आपकी लाइब्रेरी में, सर आपकी लाइब्रेरी में मिल गया वॉलेट कहाँ पे है? सर, आप कैसे बताओ, फोटो खींच के बताओ मैं। चलिए अरे फिर भी लेफ्ट राइट कुछ बताओ ना, इतना बड़ा हूं मैं. लेफ्ट, मेरा लेफ्ट कि तुम्हारा लेफ्ट? सर मेरा लेफ्ट आपका देख लीजिए जो भी है। अरे तो मैं, अच्छा मतलब मेरा राइट. यस सर, हाँ फिर सर नीचे साइड पे कॉर्नर पे है, मतलब कॉर्नर्स नहीं कह सकते, बुक्स जहां पर ये वुड कलर। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी भावना है. हाँ मैं भाटा कलर समझ गया, मेरे को बैगन पसंद भी नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड भाटा कलर, इफ इट इज भाटा कलर. बट यार को, मेरे को तो कभी किसी ने नहीं बताया. चलो कोई बात नहीं, मेरे को बहुत सारी चीजें बहुत नहीं पता. हाँ नहीं देखो, तो मैं क्या बता रहा था, स्काई कलर ब्लू है। हाँ तो अब भाई सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट की है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ज्यादा स्कैटर वॉयलेट को होना चाहिए और स्काई का कलर वॉयलेट होना चाहिए, बट होता क्या है, ब्लू. तो अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो डस्ट पार्टिकल्स स्काई की हाइट पे प्रेजेंट है वहां पर, वो उनका साइज कुछ इस प्रकार से है कि वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, पहली चीज. और दूसरी चीज, ये वाले कलर भी स्कैटर होते हैं, वॉयलेट भी स्कैटर होता है, इंडिगो भी स्कैटर होता है, बट इन तीनों कलर में सबसे ज्यादा जो कैची कलर है वो ब्लू कलर है. अपनी आईज सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी को कैच करती है, सो दैट इज वाई हमें स्काई ब्लू दिखता है. ऑल दो वॉयलेट और इंडिगो भी स्कैटर होते हैं, बट सिंस अवर आईज आर कैची और सेंसिटिव टू ब्लू कलर, Therefore, the sky appears blue. और सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर भी होता है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पार्टिकल साइज. ठीक है, बन जाएगा ये. यस सर, हाँ, अब इसके बाद देखो, अगर पार्टिकल का साइज जो लाइट को स्कैटर कर रहा है, अब इट इज ऑलमोस्ट, अगर वो इक्वल हो जाए वेवलेंथ ऑफ लाइट को, अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए वेवलेंथ ऑफ लाइट को, उस केस में क्या होगा, उस केस में जितने भी कलर हैं दे विल गेट स्कैटर्ड बाई इक्वल अमाउंट. ऑल द कलर्स विल गेट स्कैटर्ड बाई इक्वल अमाउंट. और अगर इक्वल अमाउंट से स्कैटरिंग होगी या इक्वल एंगल पे स्कैटरिंग होगी, तो सारे कलर वापस से रिकम्बाइन कर लेंगे और रिकम्बाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, व्हाइट. व्हाइट लाइट। सो दिस इज द रीजन वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट. क्लाउड्स आपके व्हाइट कलर के दिखते हैं ना, है ना, यस सर, क्योंकि क्लाउड जो है उसका जो हाइट है वो अपने आसमान से थोड़ा नीचे है. क्लाउड, स्काई तो बहुत ऊपर है, तो जैसे अपन नीचे आते हैं ना, तो जो डस्ट पार्टिकल है या जो पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, उनका साइज बड़ा होते जाता है और उनका साइज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट को, तो वो सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं बाय इक्वल अमाउंट और फिर वो वापस से सारे कलर रिकम्बाइन करते हैं टू फॉर्म व्हाइट लाइट. इसीलिए क्लाउड आपका व्हाइट कलर का दिखता है. ठीक है, और अगर जो लास्ट एक है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, 12th में आप पढ़ोगे, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए काफी लाइट की वेवलेंथ से, उस केस में स्कैटरिंग का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. मतलब सबसे ज्यादा रेड कलर स्कैटर होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, और अभी ये जो स्टडी है बहुत रिसेंटली फाइंड आउट हुई है, बहुत नया, मतलब कहीं बुक्स में दिया भी नहीं है ज्यादा. तो खैर आपको इस केस को छोड़ दो, आपको ये थर्ड केस, फोर्थ केस और ये रेलिक स्केटरिंग कहते हैं इसको, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, ये भी आप 12th में पढ़ोगे. तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर इज द स्कैटरिंग, सबसे कम रेड कलर स्कैटर होगा और इट विल ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसलिए लाल कलर खतरे की निशानी है और दुल्हन भी अपनी शादी में लाल कलर का जोड़ा पहनती है. ठीक है, आगे फिर सर मीडियम पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स वाला एमआई स्कैटरिंग होता है ना, एमआईई।
मीडियम पार्टिकल सर, लार्ज पार्टिकल सर, वो मी स्कैटरिंग या माई स्कैटरिंग जो भी बोलते हो सर। रजनी मैम पढ़ा रही थी रेले अरे वो स्कैटरिंग और माई साइंटिस्ट स्कैटरिंग का नाम है वो, जैसे रेलिक है, रेलिक और रेलिक का स्टूडेंट था हाँ उसका ऐसे कुछ नाम था, तो वो साइंटिस्ट का बोलते स्कैटरिंग है, बस वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उसका नाम ये दे दिया, कोई बात नहीं छोड़ो। तो ये हो गया, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो वो स्कैटरिंग करेगा। स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल का साइज है वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर को स्कैटर करता है। वायलेट और इंडिगो भी स्कैटर होते हैं, बट अवर आई इज सेंसिटिव टू ब्लू कलर, सबसे ज्यादा ब्लू कलर को अपनी आंखें कैच करती हैं, तो इसलिए अपने को स्काई ब्लू दिखता है। जैसे अपन नीचे आते हैं स्काई से क्लाउड्स तक, तो वहां पे जो पार्टिकल, जो स्कैटर पार्टिकल का साइज है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन दिस केस ऑल द कलर्स आर स्कैटर्ड बाय इक्वल अमाउंट एंड दे रिकम्बाइन टू फॉर्म व्हाइट लाइट, दैट इज व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ से तो स्कैटरिंग का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेड सबसे ज्यादा स्कैटर होगा फिर उल्टा चलेगा, ओके, बट ये आपको यूज में नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग, ठीक है। अब इसके मैंने टॉपिक भी आपको कवर कर दिए कि स्कैटरिंग क्या होता है और क्यों कहाँ पर यूज है ना, कहाँ कहाँ पे होता है स्कैटरिंग। देख लो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई का कारण स्कैटरिंग है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, जो कलर आता है डीप सी में, नहीं वो डिस्कवरी वाले जाते हैं वहां पे एकदम पानी कलरफुल दिखता है, तो वो भी स्कैटरिंग के कारण है। रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस समय सूरज किस कलर का दिखता है, लाल कलर का दिखता है, क्यों, क्योंकि उस समय जो सन है वो आपका होराइजन पे रहता है और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो बहुत ज्यादा लेयर आती है, तो जब लाइट ट्रैवल करती है सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं यहाँ वहां, केवल रेड कलर आपका लीस्ट स्कैटर होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो अभी मैंने बताया जो कलर स्कैटर हो जाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो कलर स्कैटर नहीं होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सनराइज और सनसेट में जो सूरज लाल कलर का दिखता है दैट इज आल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं और रेड कलर आपका लीस्ट अमाउंट से स्कैटर होता है, बन जाएगा ये। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। यार मीटिंग में कौन कौन है मेरे को ऐसे दिख ही नहीं रहा, तुम लोग लास्ट में ना एक अपना कैमरा ऑन कर देना तो एक मैं थंबनेल निकाल लूंगा, कि रोज पता नहीं उल्टे सीधे थंबनेल आते हैं, सबके स्माइलिंग फेसेस रहे तो एटलीस्ट ये रहे कि हाँ बच्चे पढ़ के खुश हैं, कोई नाराज नहीं है मेरी तरह, है ना। चलो ठीक है, हाँ ओके ओके, है ना। मेकअप शेकअप कर लो तुम लोग जाके अगर करना है तो, मैं तो ऑलरेडी करके बैठा हुआ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है सर टिंडल अभी है, करना है अरे मतलब जब वीडियो एंड होने वाला होगा तब एक बार वीडियो वैसे स्टॉप शेयर कर दूंगा, यहाँ पे सभी लोग आ रहे हो तो एक बार ऐसे अपने दांत दिखा देना, ठीक है, और जो ब्रश नहीं यस करता वो खासकर अपने दांत ज्यादा दिखाए। देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते, हाँ सेकेंड लास्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अगेन इट इज नथिंग बट इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यहाँ पे लाइट को कौन स्कैटर करता है, कौन करता है, कोलॉइड पार्टिकल, कोलॉइड सर। कोलोइडल पार्टिकल। व्हाट इज अ कोलोइड, क्लास 9th में पढ़ा था ना, कोलोइड सर इट कंसिस्ट इज अ ऑफ, हेटरोजेनियस। हाँ कोलोइड इज अ हेटरोजेनस मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, वन इज अ डिस्पर्स्ड फेज, अनदर इज अ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होता है। फिर कोलोइड आपके स्टेबल होते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, अगर आप फिल्टर पेपर से पास करो तो आपका ये पूरा फिल्टर मतलब हो जाएगा, कुछ भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होगा। और क्या होते हैं, इनको अगर आपको सेपरेट करना है तो यू विल हैव टू यूज द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, क्लास 9th में था ना ये सब, यस सर। कोई बात नहीं। हाँ तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स एंड ड्यू टू स्कैटरिंग क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल।
इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो, मैंने बताया था आज पढ़ाते वक्त भी, एक बीकर लेना या कोई बर्नी या कुछ भी हो ट्रांसपेरेंट, उसमें थोड़ा सा दूध लेना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और उसमें खूब सारा पानी मिला देना दूध में, और फिर एक टॉर्च लेना थोड़ा अच्छा पावर वाला टॉर्च, और उससे लाइट पास करना बीकर से, तो आप ये देखोगे कि जब लाइट बीकर से निकलती तो उसका पाथ पूरा विजिबल हो जाएगा कि कितने रास्ते से लाइट जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब भी आप रात को, अगर आप हाईवे में जाते हो या जब कोहरा रहता है और आप हाईवे में जाते हो और आपकी जो कार है, मेरे पास तो कार नहीं है बट आप लोगों के पास शायद कार होगी, तो आपकी जो कार है उससे जो लाइट निकलती है उसका पाथ विजिबल हो, दिखता ना कि इतने से लाइट आ रही है, देखा है किसी ने ऑब्जर्व किया ये, जब कोहरा होता है या रात में यस बहुत सर, धूल धूल होती है रोड में, तो जो लाइट निकलती है आपके हेडलाइट से वो उसका पाथ आपको विजिबल होता है। सो ये विजिबल क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक, कौन शो करते हैं? कोलॉइड। कोलॉइड के एग्जाम्पल क्या है? मिल्क प्लस वॉटर। और क्या एग्जाम्पल है कोलॉइड का? पेंट। और क्या एग्जाम्पल है कोलॉइड का? फॉग। और क्या एग्जाम्पल है कोलॉइड का? मडी स्मोक। वाटर। हाँ, मडी वाटर, तब तक जब तक वो उसके पार्टिकल नीचे बैठे ना हो तब तक वो कोलॉइड है ना। जेल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेंट, जेल, सॉल, एरोसॉल, सॉलिड सॉल, ये सब उसके टाइप हो गए। खैर उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट कैनोपी में ऑब्जर्व करते हैं, क्लास 9 में था वो, फॉरेस्ट कैनोपी वाला डायग्राम बना हुआ था, है ना, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये मैंने पढ़ा दिया, कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, है ना। इसका बेटा डायग्राम आप बना लेना, जो कलर ऑफ द सन है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायग्राम आपको दे सकता है। इसमें एक चीज और याद रखना आप, कि जब सन सनराइज या सनसेट होता है तो सन आपको होराइजन पे होता है, लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है ना, दोपहर के टाइम पे सन आपका ओवरहेड होता है, आपके सर के जस्ट ऊपर होता है। देखो यहाँ पे, 1 मिनट, दिस इज द थिंग आई हेट अबाउट दिस पेज नॉट बीइंग सून। ये देखो, ये दिया है रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जब नून का टाइम है, दोपहर के 12 या 2 बजते हैं, तो नून के टाइम पे सन हमारे जस्ट ऊपर होता है, उस समय सन का डिस्टेंस जो है वो हमारे, मतलब हमसे आपका जो डिस्टेंस है सन का वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब डिस्टेंस मिनिमम हो गया तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होती है, बट क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, और सातों कलर हम तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए दोपहर में सन का कलर क्या दिखता है? वाइट दिखता है। लेकिन जब सन आपका डूबने वाला हो या उगने वाला हो, उस समय इसकी जो डिस्टेंस है वो हमसे मैक्सिमम हो जाता है। डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो धीरे धीरे, अच्छा एक चीज और देख लो, मतलब डिस्टेंस को छोड़ दो, यहाँ पे आप देखो ये एटमॉस्फेयर देखो, यहाँ तो आपका पूरा वो है स्पेस है, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रही है, स्कैटरिंग केवल कहाँ पे होगी? जहाँ पे डस्ट पार्टिकल है। अब तुम ये एटमॉस्फेयर की लेयर देखो, यहाँ पे ये इतनी सी लेयर से पास हो रही है लाइट, और यहाँ पे इतनी लंबी लेयर से पास हो रही है, तो जो डिस्टेंस है आपका वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि स्कैटरिंग कहाँ पे होगी? जहां पर पार्टिकल है, पार्टिकल तो एटमॉस्फेयर में है। तो सन राइज या सनसेट के कारण जब सन होराइजन पे आता है तो उस समय जो रेज ऑफ लाइट हम तक पहुंचती हैं वो एक थिकर लेयर या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की, वो सबसे कम स्कैटर होता है और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। और जब नून के टाइम, जब 12 बजे सन जब ओवरहेड होता है, तो उस समय लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर के लेयर में, वो डिस्टेंस मिनिमम है। डिस्टेंस मिनिमम है तो स्कैटरिंग भी आपकी कम होती है और हमें वाइट लाइट ही मिलती है। क्लियर है ये चीज? यस सर,
हाँ तो यस ध्यान रखना, ये जो एटमॉस्फेयर का जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में लाइट बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, इनकम्प्लीट डायग्राम बनाने को आ सकता है या कुछ भी इससे पूछ सकता है, ठीक है, बन जाएगा। यस सर चलो यस सर अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द एक्टिविटी 11.13। और एक्टिविटी 11.13 में टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक। रुको एक मिनट, इसका कंक्लूजन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। ये देखो ये एक्टिविटी दी है, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कह रहा है प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस L1। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस L1 है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये आपका कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है, तो इट विल मतलब डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट पैरल हो जाएंगी। फिर दिस लेंस प्रोवाइड अ पैरल बीम ऑफ लाइट, अलाउड द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक से निकल रहा है कंटेनिंग क्लियर वाटर। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल। अभी सर्कुलर होल से लाइट को निकालना है। मेड यूजिंग अ कार्डबोर्ड ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑन द सर्कुलर ऑन अ स्क्रीन। ये इमेज अपने को मिल गई। फिर आगे यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस L2, ये सब आपको दिया है। अब देखो अब आपको मेन चीज करनी है, डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3। खैर फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बट हो गया, अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो आपको ये सब काम आएगा। इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन टैंक एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। अब सुन लो, ये सारा नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सल्फर चाहिए। क्या चाहिए? सल्फर, और वो भी किस फॉर्म में चाहिए? कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में। तो अगर मैं डायरेक्टली सल्फर इसमें डाल देता ना, तो सल्फर नीचे सेटल हो जाता, बट जब ये अपन रिएक्शन करवा के डलवाते हैं तो सल्फर में कोलोइडल प्रॉपर्टीज आती हैं और वो सस्पेंडेड हो जाता है पूरे बीकर में। ये तो अगर अपन ये रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर के पार्टिकल पूरे बीकर में सस्पेंड हो जाएंगे और ये सॉल्यूशन एक कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब सुन लो अपन क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। मान लो ये ट्रांसपेरेंट टैंक है, तो अब जो सल्फर के पार्टिकल हैं वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे, तो इस तरफ से ब्लू कलर निकलेगा, ऊपर से भी ब्लू कलर निकलेगा, और ये जो साइड है जो आपको विजिबल नहीं है, ये वाला साइड, इधर से भी ब्लू कलर निकलेगा, है ना। मैंने बताया था कि अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये लाइट आई, तो ब्लू कलर ये निकल गया, ब्लू कलर ये निकल गया, ठीक है। ये दो साइड हो गए, एक साइड और है, मतलब एक ऊपर वाला और दो आजू बाजू वाले, समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब यहाँ तो खैर 2D है, एक ये आजू बाजू हो गए, एक ऊपर वाला निकलेगा, तीन कलर, तीन साइड से ब्लू कलर आपका निकल गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 minutes। एज अ सल्फर पार्टिकल्स बिगिंस टू फॉर्म, यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 sides ऑफ द ग्लास टैंक। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलोइडल सल्फर पार्टिकल। अब ये जो लाइट है देखो, यहाँ तो ये ब्लू लाइट यहाँ से निकल गई, ब्लू लाइट इधर निकल गई और ब्लू लाइट ऊपर निकल गई, ये तो स्कैटर हो गया। अब एक लाइट ऐसी है जो सीधे आ रही है। अब सीधे कौन आएगा? सीधे वो निकलेगा जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है। वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होता है? रेड कलर का। तो देखो यहाँ पढ़ो आगे, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th side ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। तो ये रेड कलर क्यों मिल रहा है बेटा? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो मिनिमम है, और वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। तो ब्लू कलर यहाँ साइड वाइट से निकल जाएगा, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्रिम्सन रेड या ऑरेंज रेड कलर का टिंग या लाइट मिलेगा। सो दिस शोज दैट ब्लू कलर इज स्कैटर्ड बाय मैक्सिमम अमाउंट एंड रेड कलर इज स्कैटर्ड बाय लीस्ट अमाउंट। क्लियर है ये चीज?
तो अब इस एक्टिविटी से क्या पूछ सकता है कि आपने क्या क्या यूज किया? सोडियम थायोसल्फेट यूज किया, पानी यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, कोलोइडल पार्टिकल इसमें किसका बना? सल्फर का। सल्फर ही लाइट को स्कैटर करता है। बन जाएगा सभी को? यस सर, यस सर, बाकी लोग नहीं बोल रहे कुछ? ओके चलो ठीक है। तो दिस फिनिशेस द चैप्टर। जल्दी से कैमरा ऑन कर दो, 2 मिनट, तो एक वो थंबनेल आ जाएगा यूट्यूब के लिए। जस्ट फॉर 1 मिनट की मीटिंग खत्म होने वाली है। वाह अर्चिता, तुम तो ब्यूटी पार्लर से होके आ गई। ओम भी ब्यूटी पार्लर से होके आ गए। वाह आयशा भी ब्यूटी पार्लर से होके आ गई। अरे इतना जल्दी बंद कर दिया आयशा। वाह 1 मिनट देते तो सही। हार्दिक क्या हो गया? हार्दिक इज नॉट देयर। चलो कोई बात नहीं। ओके हार्दिक, आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग, यू आर इन द ब्यूटी पार्लर। ओके ओके चलो ठीक है बेटा। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल पढ़ते हैं। ठीक, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।